हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज किसी यूट्यूबर ने मुझे कहा कि भाई मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते, तो उसको और उसके जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से इतना ही बोलूंगा कि यार मेरे साथ प्रार्थना करो भगवान से कि हे भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो जिसके बाद मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना ही छोड़ दूं, क्योंकि ना ही मैं अपलोड करूंगा, ना ही मुझे व्यूज की टेंशन होगी और फिर ना ही मेरी लाइफ डिप्रेशन में जाएगी। क्योंकि यार सीरियसली मैं और इससे तक बोल भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मुझसे व्यूज के बारे में पूछना मतलब थूक में भजिया तलने के हिसाब से हुआ। अरे जिस बंदे के चैनल पे खुद व्यूज नहीं आते वो दूसरों को क्या बताएगा। खैर अब हम लोग बात करेंगे सलमान खान यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। सलमान खान की करियर की अब तक की सबसे लोएस्ट रेटिंग वाली मूवी बन गई है ऐसा मैं नहीं, ऐसा IMDb पे आप लोग साफ जाके देख सकते हो, 1.7 out of 10, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन IMDb की पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी मूवीज दी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी है, जिनको फैंस ने और क्रिटिक्स ने बहुत ही बुरी तरह से लताड़ दिया था, बहुत ही इंसल्ट किए थे। और IMDb पे अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग SSR को फॉलो करो तो उनकी काय पोचे, ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, केदारनाथ, चिचोरे और सोनचिरिया, ये कुछ मूवीज थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और ये सुशांत के करियर की अब तक की वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज है। यही उनके करियर की बेस्ट मूवीज है, लेकिन लोगों ने दिल बेचारों को हाईएस्ट रेटिंग दिया उनके करियर की। क्यों? सेंटीमेंट में आ गई, क्योंकि सर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद लोगों ने काफी इमोशनल वे में उस मूवी को इतनी ज्यादा रेटिंग दी। हालांकि दिल बेचारा मुझे पसंद नहीं आई थी, उनकी जो प्रीवियस मूवीज है उसके सामने दिल बेचारा कुछ भी नहीं थी, लेकिन लोगों का जो प्यार था, जो एक अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे सर को, तो उन लोगों ने वहां पर रेटिंग देके उसको सुशांत के करियर की वन ऑफ दी हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवी बना दी। तो इस हिसाब से IMDb हमेशा जेन्युइन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर ये हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पर कितनी जेन्युइन है और कितने बस इमोशनल लेवल पे या एक अलग सेंटीमेंट के थ्रू आकर रेटिंग दे रहे। और ये चीज सलमान खान के ऊपर भी, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जहां पर काफी हद तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनके जो हेटर्स है तो वो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका मामला। तो इसलिए अब वहां पर जितने लोगों ने रिव्यूज दिए हैं तो उसके बिना पे 1.7 की रेटिंग मिली, तो अब इसमें कितने हेटर्स है, कितने लोगों ने मूवी देखी है, कितने लोगों ने मूवी नहीं देखी है, कितने लोगों को एक्चुअली मूवी पसंद आई या कितने लोगों को एक्चुअली एवरेज लगी, तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद वहां पर इस मूवी को उतनी रेटिंग मिली है। तो अब मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि यार वहां पर जितने भी लोग थे उसमें से हेटर्स के जो परसेंट रेशियो थे वो कितने थे, या एक्चुअली फैंस के रेशियो कितने थे, या एक्चुअली किसी ने पिक्चर नहीं देखा उनके रेशियो कितने थे। तो इसलिए सलमान खान के इस पर्टिकुलर केस को हम लोग यहाँ पर जेन्युइन नहीं मान सकते, अनलेस और अंटिल काफी साल बाद, जब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वहां पर रिव्यूज करेंगे, तो उसके बाद जब इसकी रेटिंग होगी तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो राधे के मामले में 1.7 out of 10 की जो रेटिंग है वो मैं रियल नहीं मान रहा हूँ। हाँ, अगर रियल है भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सलमान खान को भी सबक सीखना चाहिए कि अगर आप लोग थोड़ा भी ऑडियंस को ग्रांटेड लेते हो, मूवीज अच्छी नहीं बनाते हो, तो इस हिसाब से जो रेटिंग है वो ठीक है, लेकिन वो इतनी बिलो होगी वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि ये साफ बताता है कि हेटर्स की जो रेशियो वहां पर ज्यादा थे। लेकिन गॉड नोज यार, फिर भी जो भी है जैसा भी है मेरे हिसाब से ठीक है यार। मैं होप करता हूँ कि सलमान खान की जो नेक्स्ट मूवीज है वो एटलीस्ट इतनी अच्छी हो कि जो उनके रियल फैंस है उनको भी प्राउड फील हो कि हाँ यार हम लोग सलमान खान के फैन है। बाकी तो आप लोग खुद बेटर जज हो यार। खैर अब हम लोग बात करेंगे सरदार का ग्रैंडसन, जो कि नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज हुई और लेंथ 2 घंटे 20 मिनट की, और कहानी एकदम सिंपल है कि अर्जुन की अमेरिका में रहते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड के साथ इनका ब्रेकअप हो जाता है, तो वो रिटर्न अमृतसर आते हैं जहां पर उनकी दादी और उनकी फैमिली रहती है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अर्जुन कपूर की दादी को एक ट्यूमर है जिस वजह से वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन उनकी दादी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने पुराने लाहौर वाले घर में, जो कि पाकिस्तान में, वहां पर ये वापस जाना चाहते हैं एक बार। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अर्जुन कपूर क्या डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का कॉन्सेप्ट हटके है, अलग है, हालांकि डिस्कवरी चैनल पे मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत बार देखे जहां पर फॉरेन में एक घर को उठा के
दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है बाकायदा पूरे घर को, और वहां पर ये सारी चीजें होती है, बट हमारे इंडिया में नहीं हो सकती क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी इतनी झाड़ बरबर की गलियां होती है। तो अब यहाँ पर घर मूव करना, अरे कबाट मूव नहीं कर सकते, घर तो दूर की बात है, तो ये सारी चीजें यहाँ नहीं होती, ये बस फॉरेन में होती जहाँ पर बहुत दूर दूर घर होते हैं और वो लोग एकदम इज्जत से सम्मान से उस घर को लेके जाके दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो चलो इस कॉन्सेप्ट पर इस मूवी को बनाए। फर्स्ट हाफ अच्छा है जहाँ पर हमें काफी इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं अर्जुन कपूर और नीना गुप्ता के तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है और इस पूरी मूवी से हम लोग इजीली कनेक्शन भी बना लेते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में जब पूरी मूवी पाकिस्तान में बताइए, तो पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इज दिस पॉसिबल, रियली दिस इज पॉसिबल, ये कोई फॉरेन नहीं है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी हमारे इंडिया की तरह ही वो छोटी छोटी झाड़ भर भर की गलियां है वहां पर भी, तो वहां से पहली बात तो किसी घर को मूव करना वो तो इम्पॉसिबल है। सेकंड अरे यार मैं क्या बोलूं, छोड़ मूवी यार, चलो इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो सेकंड हाफ है वहां पर ना कॉमेडी है ना इमोशन है, बस ऐसा लगता है कि हाँ बस मूवी चल रही है और हम लोग देख रहे हैं, और ना ही एक्टिंग है। तो सेकंड हाफ इतना पैथेटिक लगता है कि वहां पर आपको बस इतना होता है कि भाई भाई बस कर यार, बंद कर पिक्चर, और वहां पर आप लोग स्किप करना स्टार्ट होते हैं। और लिटरली ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, बट ऐसा नहीं कि मूवी खराब है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जो इसकी जमकर यहाँ पर तारीफ कर सकते हैं। हाँ ये फैमिली के साथ बैठ के आप लोग देख सकते हो, नो डाउट, बट फर्स्ट हाफ जितना इमोशनल था या जितनी जो जो चीजें फर्स्ट हाफ में थी, वो चीज अगर सेकंड हाफ में होती या सेकंड हाफ में कुछ ऐसा होता जिससे ऑडियंस का कनेक्शन बना हुआ रहता ना, तो ये मूवी डेफिनेटली अर्जुन कपूर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होती। लेकिन सेकंड हाफ इतना ज्यादा पैथेटिक लगा, मतलब एक कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा था, तो उस हिसाब से ये मूवी मुझे बिलो एवरेज लगी। मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, आर्ट डायरेक्शन अच्छा, जो लोगों ने पाकिस्तान को क्रिएट करने की कोशिश की है काफी छोटी छोटी डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बीजीएम भी अच्छा है जो कि इस पूरी मूवी को अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा था। परफॉर्मेंस की बात करें तो यार जिस मूवी में अर्जुन कपूर हो उस मूवी में परफॉर्मेंस की बात तो ना ही करे, और नीना गुप्ता का यहाँ पर फर्स्ट हाफ में ही काम है, सेकंड हाफ में तो वो हमको एंड में नजर आती है और बस एक और झलकी है। और अगर जॉन अब्राहम की बात करो तो भाई उनका एज अ कैमियो रोल है, जो कि अपने रोल में बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं, और वाकई में वो एक खच्चट पंजाबी लग रहे हैं। और जो उनका एक्शन सीन है वहां पर, आप लोग इमेज तो देख रहे होंगे, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे और जिस तरीके से वो इमोशन बह रहे थे ना उनके आंखों से, वो साफ समझ में आता है कि यार जॉन में जो चेंजेस हुए परफॉर्मेंस लेवल पे, वो आप लोग ये इमेज देखकर साफ समझ सकते हो। और अदिति राव हैदरी वन ऑफ दी बेस्ट एक्ट्रेस मैं बोलूंगा आज की जो यंग एक्ट्रेस में से, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बट उसको अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है, और यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। जितने भी इमोशनल सीन थे अदिति राव हैदरी उसमें अच्छी लगती है। रकुरप्रीत सिंह वो ठीक ठाक एक्ट्रेस है यार, ग्लैमर के लिए उनको लिया जाता है और अच्छी लगती है वो इस मूवी में। इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6/10 बिकॉज ऑफ इस फ्रेश कंटेंट। जो तो यार ओवरऑल आपको देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। तो यार बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल देन बाय।